प्यारे बच्चों, आज हम लोग वंदना पाठ का प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि कवि किससे प्रार्थना कर रहा है। उसका उत्तर है, कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। दूसरा प्रश्न देखें, कवि किसका प्रेमी बनने की इच्छा कर रहा है। उत्तर है, कवि उसका प्रेमी बनना चाहता है जो समान रूप से मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला हो। तीसरा प्रश्न है कि कवि किन बातों से मुक्त पाना चाहता है। कवि का कहना है कि मेरे मन का भय, संदेह और बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा रखने का भाव समाप्त हो जाए। चौथा प्रश्न है कि कवि किस प्रकार से प्रकार का प्रकाश बनाना चाहता है। कवि संसार में एक बार फिर से नए जीवन का सवेरा ला सकूं। और आपके किताब में देखें, कोष्टक में सही शब्द दिए गए हैं, इनके जो सही शब्द है उनको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में लिख दिया गया है। पहला है कि जीवन में जो चीज महान है वह सौंदर्य से पूर्ण है। दूसरा है कि मानव मात्र का हित कवि के लिए सबसे ऊपर है। तीसरा पहले में भरेंगे, अंधभक्ति का अर्थ है किसी के प्रति बिना सोचे समझे निष्ठा का भाव रखना। और चौथा है मानवता का परित्राण करना हमारा उत्तरदायित्व है। और पांचवा का है कि कवि की इच्छा है कि विश्व में नवजीवन का बिहान आ जाए। इसको प्यारे बच्चों आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और प्रश्न उत्तर को लर्न करना है।